मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जिसमें MP के 24 लोग मर गए हैं उत्तराखंड में खाई में गिरकर। तो मैंने सोचा मैं तुम लोगों से मिलूं, क्या पता ये आखिरी मुलाकात हो। तो ये पहाड़ों में नोटिस करो, पहाड़ों में। तो हमारी टी शर्ट पर अभी भी लग गया है दाग। तो इस कबूतर को देखो कैसे खाना खा रहा है ये। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज हमने व्हाइट टी शर्ट जो है बहुत काफी टाइम के बाद पहनी है, तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर रखे हैं हमारे तीन बैग, जिसमें हैं ब्लैक वन, रेड और एक और अनदर रेड। तो ये तीन बैग हैं, इसके बाद भी हम एक बैग और एक्स्ट्रा कैरी करेंगे क्योंकि हम जाने वाले हैं पहाड़ों में। तो पहाड़ों में जाने के लिए हमको लगेगा सामान बैग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो हम ये सब चीज़ों कैरी करने वाले हैं। तो करते हैं न्यू व्लॉग की शुरुआत। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल PS फिल्म। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं फ़िलहाल जाने वाला हूँ MP नगर, जहाँ पर सिद्धार्थ और मीनल मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे मिलना ज़रूरी है जाने से पहले। तो कुछ डिस्कशन है जो हमें करना है ट्रिप के बारे में, वो ट्रिप क्या होने वाली है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर आईडी आ रही है, फॉलो कर लो जल्दी से, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। ये जो मेरी बाइक है इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है जब से मैं राइड करके आया हूँ इंदौर वाली। तो इंदौर से जब आया हूँ तो इसमें आगे जो पार्ट है कुछ मतलब आवाज़ सा कर रहा है, चू 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 टाइप ऐसा कुछ, तो वो मज़ा नहीं आ रहा है मुझे चलाने में। तो इसको जब हम ट्रिप से वापस लौटेंगे तब हमारी बाइक को हम सर्विस सेंटर पर डालेंगे। सो हमने यहाँ पर अपनी पार्किंग कर दी है बाइक की और अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पर सेफ रहेगी। तो G5P7 पे बाइक खड़ी है। तो मैं हमेशा की तरह वैसे ही लेट आता हूँ हर जगह पर, तो इन लोगों की ज़्यादा कंप्लेन रहती है हमको लेकर कि हम हमेशा टाइम पर नहीं पहुँचते हैं। तो जैसा कि आज हम नहीं पहुँचे हैं। इनका लुक देखो आप, पहले बीमार आत्मा है। तो ये रहा सिद्धार्थ, ये लोग हमेशा बोलते हैं जल्दी आके बैठ जाते हैं यार हमेशा, और मैं हमेशा लेट होता हूँ। साढ़े छः का बोला था हमने, साढ़े छः। हाँ तो मैं आ गया ना, और तो यहाँ से लोकेशन देखो आप, यहाँ से क्या सही व्यू आता है यार। सामने है DB, उसके जस्ट सामने हम बैठे हैं, और ये रहा यहाँ पे नज़ारा पूरा। तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शानदार होता है। तो हम अभी यहाँ पर थोड़ी सी पार्टी इंजॉय कर लें, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को इंजॉय करके फिर आपसे मिलते हैं। भाई साहब तो क्या सोचा आपने? मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जिसमें MP के 24 लोग मर गए हैं उत्तराखंड में खाई में गिरकर। तो मैंने सोचा मैं तुम लोगों से मिलूं, क्या पता ये आखिरी मुलाकात हो। तो ये मैसेज था मीनल की तरफ से। तो ये लड़की हमसे मिलने आई है इसलिए क्योंकि हम लोग की ये शायद से आखिरी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं पहाड़ों में नोटिस करो पहाड़ों में। तो हम पहाड़ों में जाने वाले हैं, बचेंगे नहीं बच्चे, कोई भरोसा नहीं। हम लोग आ गए थे अभी DB, और DB में हमने बर्गर ऑर्डर किया है। बर्गर ऑर्डर करा है, भूख लग रही काफ़ी देर, क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर आके डिसाइड किया कि बर्गर खाते हैं। तो ऑर्डर प्लेस होता है, फटाफट से खा के और निकलते हैं वापस। यहाँ पर हमारी टी शर्ट पर अभी भी लग गया है दाग, ऐसे जाना पड़ेगा छुपाते हुए जाना पड़ेगा यार, ये पता नहीं कहाँ से लग गया। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? अभी टाइम हो रहा है 8:08, और मैं यहाँ पर सुबह सिम्बा को घुमाने के लिए आया हूँ गार्डन में, क्योंकि रात को हम नाइट शिफ्ट में थे। नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अभी जस्ट आए हैं, और अब जाकर हम सिम्बा घुमा के सो जाएंगे। तो मेरी पैकिंग जो है अभी भी बची हुई है, तो पैकिंग करनी है क्योंकि हमें निकलना है पहाड़ों में। तो कहाँ जाएंगे वो तो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा, और सबसे पहले देखना तो स्टोरी पर देख लो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जल्दी दिखेगा आपको। अभी क्या है कि मुझे करनी है पैकिंग,
तो अभी मैं सो जाता हूँ क्योंकि रात भर से जग रहा हूँ, तो फटाफट सो के फिर मैं उठता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगा सीधा पैकिंग के बाद। सो हेलो, अभी नींद पूरी हो चुकी है और नींद पूरी होने के बाद मैं अभी उठा हूँ और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 12 बज रहा है एग्जैक्ट, तो 12 बजे हम व्लॉग शूट कर रहे हैं अपना क्योंकि हमें एंड भी करना है व्लॉग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पैकिंग है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो पहले हमने सोचा था कि हम ये 3 बैग कैरी करेंगे और उसमें हमारा कैमरा रहेगा, फिर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, हमें एक्स्ट्रा लगेज भी कैरी करना पड़ रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना कि ये 3-4 बैग कैरी करने के लिए हमें सिर्फ 3 ही बैग कैरी करना पड़े। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि ये सूटकेस में हम अपना पूरा सामान आ जाएगा सूटकेस के अंदर, और एक में हमारे जो शूज़ हैं वो आ जाएंगे, एक में हमारा कैमरा इक्विपमेंट है वो आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें हमारी हो जाएगी, तो हमें लगेज ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने सूटकेस लिया। सो, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से मेरी ट्रिपें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि ये मेरा सपना था कि कहीं ना कहीं मैं घूमने जाऊं, पहाड़ों में जाऊं, बाइक से जाऊं, तो ट्रैवलिंग करना मेरा बहुत बड़ा सपना था जिंदगी में, जो कि अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो पहली बार हम जा रहे हैं केदारनाथ की ट्रिप पर, जिसमें रास्ते में बहुत सही जगह पे हम स्टे करेंगे, बीच बीच में आपको सब देखने को मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है, क्योंकि वहीं पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। बाकी व्लॉग तो आते रहेंगे, तो व्लॉग तो हम शूट कर ही लेंगे। तो अभी से भी ये जाने का ट्रिप है, मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं अभी दिल्ली से हरिद्वार और उसके बाद फिर आगे, तो आगे के ट्रिप जानने के लिए आपको व्लॉग में देखना पड़ेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आईडी आ रही है नीचे, तो जल्दी से जाओ आईडी कर लो, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लो। तो पैकिंग में सिर्फ अभी यही है, अभी भी बहुत सी सारी चीज़ें बची हैं पैक करने के लिए, तो अभी से भी यही लगेज है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम उठेंगे तब ये सब चीज़ें पैक हो जाएगी, तो जब हम जाएंगे तो उसके बाद भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, साइनिंग ऑफ, पीएस फ्लेम, बाय बाय, लव यू ऑल, सपोर्ट मी गाइस, थोड़ा सा 1K करा दो जल्दी से, 1K के पास हैं हम, तो 1K फटाफट से करा दो, आप लोग का प्यार यूं ही बरसाते रहो, मिलते हैं, लिव योर लाइफ, लिव योर डे, बाय। तो हम अपने साथ कैरी करने वाले हैं ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि मीवी का है, बढ़िया साउंड देता है, बढ़िया स्पीकर है, तो इसको हम रास्ते में गाने सुनने के लिए यूज़ करेंगे अपने ट्रिप को एंजॉयमेंट बनाने के लिए।